Have to be सार, सारे लोग रात को अच्छे से सोएंगे कल के फाइनल के लिए फ्रेश होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे कहीं बिग स्क्रीन आपको मिल तो आप जरूर वहां जाके देखिएगा और इंडिया को वर्ल्ड कप लिफ्ट करते हुए जरूर, जरूर, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करिएगा सो एनी वे बिफोर वी गो इन टू द प्रिव्यू ऑफ द मैच बिग मैच आप इस वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड देन अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप नीचे नीचे जरूर शेयर

Going to be there. Indian Air Force अपना वहां एक एयर शो करने वाला है जो वन थर्टी फाइव पी एम शुरू होगा टॉस होगा वन थर्टी फाइव पी एम इंडियन एयरफोर्स अपना you know, एयर शो शुरू कर देगी जो ट्वेंटी मिनट्स के लिए होगा हो मेक श्योर डोन्ट मिस दैट वी गुड बी लाइव देन बट आप वो शो जरूर देखिएगा और मिस नहीं करिएगा दो बजे मैच शुरू होगा पौने छ बजे तक वो मैच चलता रहेगा इंडिया टाइम के हिसाब से एंड पौने छ बजे जब मिड इनिंग्स होगी तब तो बहुत बड़े सिंगर्स बहुत बड़े स्टार्स वहां परफॉर्मेंस देंगे जेता गांधी है प्रीतम है ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम सुनने में आ रहे हैं सो so वो भी आप नहीं मिस करिएगा बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स आने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी आने वाले हैं रजनीकांत जी आने वाले हैं सो इट्स गोइंग टू बी अ स्टार स्टडेड अफेयर So, उसके बाद जब मैच में जब सेकेंड ड्रिंक्स ब्रेक होगी इवनिंग में उसके बाद एक लेजर लाइट शो भी किया जाएगा एंड वहां का लोकल क्राउड जो है वो बहुत इंजॉय करेगा जो स्टेडियम में बैठे होंगे एंड में क्लोजिंग सेरेमनी होगी ऑब्वियसली अवार्ड सेरेमनी होगी वर्ल्ड कप जो हमारे रोहित शर्मा ही लिफ्ट करेंगे वो उनकी सेरेमनी uh, की जाएगी फैसिलिटेट किया जाएगा अंपायर्स को एंड प्लेयर्स को सो so, ये कल का शेड्यूल है बट मैच के बारे में हमें क्या कहना है यार मैच का क्या होगा तो भाई हमारे लिए बहुत इजी सिंपल है जीतना और वो है कि हमारे प्लेयर्स जैसे 11 प्लेयर्स अभी तक खेलते आ रहे हैं वो ही वैसे ही उसी बिगर से उसी तरीके से उसी अग्रेशन से उसी फोकस और कंसंट्रेशन से खेलते रहे हमें कोई चेंज नहीं करना है हमारे बैटर्स अपनी बैटिंग में अपनी स्ट्रेटजी में फोकस करते रहे हमारे बोलर्स अपनी लाइन लेंथ सीम एंड अगर स्पिनर्स हैं तो जिस जगह उन्होंने बोल करनी है जिस लेंथ पे बोल करनी है उसमें कंप्लीट फोकस रखे मतलब जो हम पिछले 10 गेम्स से कर रहे हैं हमने 11वें गेम में वो ही करना है कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है घबराना नहीं है कोलैप्स ट्रिगर नहीं करवाना है अगर इंडियन टीम की बैटिंग किसी भी पॉइंट पे कोलैप्स नहीं करी टचवुड नहीं करी तो देर इज नो वे ऑन अर्थ कि हम ये मैच हार जाएंगे देखिए ब्लैक सॉइल पिच होने वाली है एंड ब्लैक सॉइल में स्पिनर्स को शुरू से ही मदद मिलती है तो क्वेश्चन है कि रविचंद्र अश्विन जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफी डेंजरस हैं और अगर स्पिन पिच है तो क्या रविचंद्र अश्विन को इंडक्ट किया जाएगा और अगर उनको इंडक्ट किया जाएगा तो किस प्लेयर को बाहर बैठाया जाएगा वेदर इट्स सिराज और वेदर इट्स संबडी एल्स देखिए मैं इतना फेवर में नहीं हूं कि विनिंग कॉम्बिनेशन

एनी वे दैट इज रोहित शर्मा एंड राहुल राविट डिसीजन वो ही बेस्ट डोनो डिसीजन मेकर अभी तक उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बेस्ट डिसीजन पॉसिबल लिए हैं एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू डू अ गुड जॉब हियर एज वेल रोहित शर्मा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिकी, रिकी पॉन्टिंग ने हमें टू थाउजेंड थ्री में जो कैप्टन थे वर्ल्ड कप विनिंग के उन्होंने हमें बहुत धोया था फाइनल्स में तो आपकी अब चांस है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू थाउजेंड थ्री का बदला and as a captain, आप बदला लीजिए एंड एज अ कैप्टन आप लीड फ्रॉम द फ्रंट कीजिए एंड एक सेंचुरी जरूर बनाइए एंड फास्ट सेंचुरी वो तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे तो फास्ट सेंचुरी बनाइए विराट कोहली ये दिस इज दी मैच दिस इज मैच फॉर यू आई नो 50 सेंचुरीज़ हो गई हैं आपके 711 रन हैं यू नो और आपसे हम क्या ही एक्सपेक्ट करें बट ये फाइनल मैच है एंड आपको डिलीवर करना ही करना होगा सो so, शुभमन गिल ये आपका गुजरात टाइटन्स का ग्राउंड है आप अपना गुजरात टाइटन्स का कॉन्फिडेंस खींचिए एंड यू नो कुछ बड़ा सा स्कोर जल्दी से स्कोर बना दीजिए श्रेयस सैयर के एल राहुल फैंटेस्टिक फॉर्म में है कुलदीप यादव फैंटेस्टिक फॉर्म में है एंड हमारे पेसर्स का तो क्या कहना स्पेशली शामी भाई श्यामी भाई हैज टू तो डिलीवर हिज बेस्ट शायद यू नो उन्होंने बेस्ट अपनी सेवन फॉर फिफ्टी जो लिया वो भी फिगर शायद इससे बेटर हो जाए तो यार हम तो यही प्रे करेंगे कि हमारी टीम जैसे क्लिक कर रही है वैसे ही क्लिक करते रहे एज फार एस दी ऑस्ट्रेलियर थोड़े से घबराए हैं पैट कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है तो ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन क्राउड से है थोड़ा बच के रहना पड़ेगा तो इंडियन क्राउड से तो आप नहीं बच सकते एक लाख तीस हजार लोग होंगे वहां एंड वन पॉइंट टू फोर बिलियन पीपल वन फोर्टी करोड़ पीपल विल बी आउटसाइड सो सारे विल बी रूटिंग अगेंस्ट यू

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोई भी हमसे ट्रॉफी नहीं खींच सकता ये मेरा कॉन्फिडेंस है सो गाइस लेट्स बी रेडी फॉर टुमोरो वोनो को हेड को माश को एंड मैक्सी को जल्दी पकड़ना है गाइस मतलब कुछ भी करके इनको जल्दी पकड़ना है टॉप ऑर्डर को पेसर्स ने पकड़ना है मैक्सी को स्पिनर ने पकड़ना है एंड फटाफट इनके बैटर्स की जो है वो उनका रिदम पकड़ना है वॉर्नर को चलने नहीं देना है क्योंकि वॉर्नर यार थोड़ी खतरनाक है उनसे मुझे थोड़ा डर लगता है वो सेट हो जाते हैं तेज रन मारते हैं एंड यू नो ही कैन डिलीवर इन फ्रंट ऑफ द इंडियन क्राउड सो वॉर्नर को पकड़िए जल्दी ट्रेवल्स हेड के रन रोकिए रन रोकेंगे वो वैसी पकड़ में आ जाएंगे स्मिथ एंड लाबुशेन उतने चल नहीं रहे हैं मिचिल मार्श एवरेज मुझे उतना उतना खास नहीं लगते देन मैक्सी को कुछ फ्रीक शो नहीं करने देना है बिकॉज मैक्सी फ्रीक शो करने के बहुत केपेबल है चाहे बैटिंग से बॉलिंग से या फील्डिंग से सो मैक्स वेल को बिल्कुल पकड़ के रखना है उनको किसी भी एंगल से चलने नहीं देना है शुरू शुरू में मि मिचर्ड स्टार्क की जो बॉल है वो स्विंग कर सकती है लास्ट आ, मैच में वो फॉर्म में आ गए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो थोड़ा सा इनिशियली वॉच करना पड़ेगा स्पेशली शुभमन गिल को आ, उनसे बचना है एंड देन जैम्पा जैम्पा विराट कोहली के लिए थोड़ा टेरर हो सकते हैं तो विराट कोहली प्लीज आप उनको थोड़ा ध्यान से खेलिएगा देखिए उनके पांच मेन प्लेयर हैं जो हमें पकड़ने बट उन्हें अगर हमसे जीतना है तो हमारे 11 के 11 पकड़ने पड़ेंगे विच इज एन इम्पॉसिबल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क सो विद दिस होप That कल हम जीते हमारे कैप्टन जो है वो ट्रॉफी लिफ्ट करें विद दिस होप आई विल साइन ऑफ दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए नीचे अपने कमेंट्स छोड़िए एंड टूमारो द होल डे वी विल बी डेर विद यू लाइफ हम एक बजे से ही जुड़ जाएंगे एंड हम आपके साथ पूरे मैच में जुड़े रहेंगे थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेंगे फिर जुड़े जुड़ते जाएंगे एंड वर्ल्ड कप ट्रॉफी हम साथ में ही उठाएंगे सो ऑल द बेस्ट इंडिया वेअर गोन्ट विन टुमोरो किसी ने डरना नहीं है पॉजिटिव एनर्जी रखनी है एंड पॉजिटिव एनर्जी टीम इंडिया को भेजनी है दैट इज इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर हैव ए गुड डे